भी आप सदगति पा सकते हैं या तप करके भी आप सदगति पा सकते हैं। तीसरा रास्ता सदगति को पाने का है वो है सदगुरु की शरणागति, गुरु की शरणागति। अगर आप गुरु की शरणागति पा लेते हैं, शास्त्र कहते हैं तब भी सदगति हो। चौथा सदगति को पाने का रास्ता है मैं का अहम, मैं कर रहा हूं इसका वहम त्याग दोगे तो भी सदगति हो जाएगी। मैं का अहम ये नहीं बताएंगे वो उत्तराखंड का था, जा रहा था तो जा रहा, महाराजा बुरा मत मान, कुत्ता कुत्ता तो कुत्ता है, जा रहा बैलगाड़ी के नीचे पूंछ टचती बैलगाड़ी, कुत्ता को लग रहा था बारे हम बैलगाड़ी चला, कुछ ऐसे ही हम लोग भी। उस कुत्ते ने सोचा कि आज तो कुत्तों को चेक कर लें कि हम ही चला रहे हैं कि कोई और, पूंछ टचती मां पूंछ छुई हुई, रुका। किस्मती की बात कि बैलगाड़ी का पहिया एक पत्थर में अटक गया तो गाड़ी अब तो उसे कर, हाँ हम ही बैलगाड़ी चला। उसने अब मन ही मन तो वो टॉमी बड़ा खुश हुआ, टॉमी को लगा कि आज तो हमारे दादा परदादा बहुत खुश हैं, खुश भगवान ऐसे लोगों को जल्दी ठिकाने लगा। तब बैलगाड़ी मन जाता था, गाड़ी के मालिक ने बैलों को हटाया। अब विचार करो जब तक बैल होते तब तक गाड़ी ऊपर रहती हो, जहां बैल हटे सोई नीचे आई, वो टॉमी की चाउमीन बन गई, फैल गई एकदम चाउमीन बन गई। तब कुत्ते को समझ में आया अरे भाई ये तो हमारा बहम था, ये तो हमारा बहम था, चलाने बात गति का रास्ता सदगति पाना है, ये चौथा उपाय। पांचवा सदगति को पाना है तो मछली की तरह प्रभु से प्रेम, किसकी तरह मछली। ये सूत्र बहुत अद्भुत है, भक्ति के मार्ग में गोस्वामी जी ने मीन का बड़ा प्रयोग किया, मछली का बड़ा प्रयोग किया। मीन का प्रयोग करने के पीछे किसी ने तुलसीदास जी को पूछा कि आपने भक्ति की तुलना मीन से क्यों की, मेरी एक आदत है, वो धारा के विपरीत भी बह लेती, धारा के अनुकूल भी बह लेती, मछली की एक आदत है वो जब तक जिंदा है।